हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे जो आपकी 3 जनरेशन को फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए इस प्लान को 3 जनरेशन प्लान भी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये प्लान आज लेते हैं तो आप पूरी लाइफ रेगुलर पैसे आपको मिलते रहेंगे, फिर आपके बच्चों को भी पूरी लाइफ रेगुलर पैसे मिलते रहेंगे, फिर उनके बच्चों को भी पैसे मिलते रहेंगे। मतलब प्लान आप एक ही लेंगे पर फायदा 3 जनरेशन उठाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, ये LIC का एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है जिसका नाम है जीवन उमंग टेबल नंबर 945। इस प्लान को 3 जनरेशन के नाम से भी लोग बुलाते हैं। ये प्लान 4 प्रीमियम पेइंग टर्म में मिलता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। इसमें एज 90 दिन से लेकर 55 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि इसमें प्रॉस्पर एज यानी जिसके लिए आप प्लान ले रहे हैं प्लस PPT कम से कम 30 तक होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर आप 15 साल के बच्चे को ये प्लान दे रहे हैं तो PPT 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल ले सकते हैं, पर अगर आप 10 साल के बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो आप 20 साल या उससे ऊपर का ही PPT चूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 5 साल के छोटे बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो आप सिर्फ 30 साल ही PPT मिलेगा आपको। इस प्लान में सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी इस प्लान में आप सम एश्योर्ड कम से कम 2 लाख का और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं। इसमें आप प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली चूज कर सकते हैं। इस प्लान का टर्म 100 साल का है, इसलिए इसको होल लाइफ प्लान भी कहा जाता है। आप इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं या इसे सरेंडर भी करा सकते हैं। सरेंडर का मतलब होता है कि आप पॉलिसी को बंद करा रहे हैं। वैसे सरेंडर में ग्राहक का हमेशा नुकसान होता है, तो हम तो ये कहते हैं कि आप सरेंडर कभी मत कराइएगा। फ्रेंड्स, इस प्लान में आपको 2 बार टैक्स में छूट मिलती है। पहले प्रीमियम अमाउंट में आपको सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिलता है और मैच्योरिटी में आपको सेक्शन 10D के तहत रिबेट मिलता है। ज़्यादातर सेविंग में मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होती है, मैच्योरिटी अमाउंट लाखों में होता है जिसे टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, पर टैक्स फ्री मैच्योरिटी में आप बहुत बचत कर सकते हैं। इस प्लान में PPT के बाद 100 साल तक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। अब इस प्लान में 3 जनरेशन से कैसे कैसे इनकम ले सकते हैं, आइए हम आपको इसमें 2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ एक मिस्टर राजू है जिनकी एज 40 साल है और एक उनका बेटा है राहुल जिसकी एज 15 साल है। अब अगर मिस्टर राजू ये प्लान अपने बेटे राहुल के लिए लेते हैं तो सम अश्योर्ड 12.5 लाख और PPT यानी उनको 15 साल तक पैसा जमा करना है और उनका जो ईयरली प्रीमियम होगा वो होगा 98,400 रुपीज़। और 15 साल बाद राजू की एज होगी 40+15 तो यानी 55 साल। 55 साल से मिस्टर राजू को 1 लाख हर साल मिलते रहेंगे। और अगर मिस्टर राजू 80 साल तक जीते हैं तो मिस्टर राजू को 80-55 यानी 25 साल तक 25 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद राहुल को पूरी उम्र भर 1 लाख रुपए मिलता रहेगा और उसके बाद राहुल के बच्चों को 1,42,00,000 रुपीस मिलेगा। यानी आपने टोटल जो पैसा जमा किया है वो है 15 लाख रुपए और वो भी इंस्टॉलमेंट में, और आपको मिलेंगे टोटल 2,12,00,000 रुपीज़। इस तरह आपकी 3 जनरेशन को इन पैसों का फ़ायदा मिलेगा। तो हुआ ना ये 3 जनरेशन प्लान। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अभी एग्जांपल समझाया है उसमें मैंने किसी भी एडिशनल राइडर को नहीं लिया है। इस प्लान में आप 5 तरीके के राइडर्स ले सकते हैं। फर्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अगर आप इनमें से कोई भी राइडर अपने प्लान में
ऐड कराते हैं तो उसमें आपकी प्रीमियम की कुछ कॉस्ट बढ़ जाती है और उसके हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलता है। मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि आपका प्रीमियम डेट के बाद भी आपको 15 दिन और मिलेंगे जिसमें आप अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं और आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली में आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो होता है 1 मंथ का। LIC की ये पॉलिसी अगर कभी लैप्स हो जाती है तो आप 5 साल के अंदर फिर से चला सकते हैं। फिर से ये पॉलिसी को चलाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट और पुराने कुछ किस्त में प्लस एडिशन अमाउंट आपको जुड़ के देना पड़ता है और आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।